So if I came to the intro part, your intro is good, but don't use and again and again, right? You are using it and don't do that. Okay, be fluent with your intro. Practice it more and more. Your content in the intro is good, but how you speak is not so much of, you know, influential to the interviewer. Okay. Second question that I have asked you about the sales, that government job and the sales job, you have not answered it so confidently, so apt. You are telling me the stories and stories and stories, right? That is not convincing to the interviewer. You have to be to the point. Ki, Yes. I think I am not very apt for the government preparation. So that's why I switched to the sales job by exploring my all the skills. ठीक Oh. है, यही तो आप कहना चाहते थे ना, राइट? Yes, sir. यही आपको कहना Actually, था ना ma'am. कि हाँ, देखो इतना डिटेलिंग देने की जरूरत नहीं है आपको कि आपका मैथ्स वीक है, आपका केमिस्ट्री वीक है, आपका एप्टी वीक है. नो, जस्ट आंसर इट इन वन लाइन. ठीक है, हाँ, आप बोलो, आप क्या बोल रहे थे, बोलिए. Yes, ma'am. Actually, ma'am, I am not so fluent in English. Still, and then. I was also not so fluent in English, but with practice it can. आप एक बात बताओ, अमेरिका में, यूएस में जो लोग होते हैं उन्हें क्या हम इंग्लिश क्लासेस देते हैं? हाँ इलिटरेट भी वहां कितनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं. कैसे बोलते हैं? सुन के ही यस बोलते हैं ना. यस तो इसीलिए मैम वो कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन के आंसर्स पता होते हैं क्या बोलना है, बट वहां पे स्टकडप हो जाते हैं कि बस अब क्या बोलेंगे, कोई लाइन बात नहीं, वो नहीं मिल सबके रहा है. साथ होता है. आप उसके लिए परेशान मत हो. आप उसकी प्रैक्टिस करोगे ना डेली, तो डेली अगर 0.1% भी इम्प्रूवमेंट आ रहा है आप में, तो इट्स ऑल वर्थी. यस और मैम इम्प्रूवमेंट है, आप बोल रहे हो अच्छा, बस थोड़ा फ्लुएंट होना है. यस ठीक है, और बहुत ज्यादा स्टोरीज नहीं सुनानी है इंटरव्यूअर को. बी फॉर्मल ओके मैम कि ओके मैम, आपको ये बोलना था कि अभी आप बोल के बताओ मुझे, कैसे बोलोगे आप वो जो मैंने आपसे. क्या था, व्हाई यू चूज सेल्स, व्हाट. गवर्नमेंट जॉब वाला जो क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे, यस मैम आपने मुझे देखो दो चीजें बोली कि सिक्योरिटी. आप ऐसी चीजें बोल के ना खुद के लिए प्रॉब्लम ले रहे हो. डोंट यूज दीज थिंग्स. आप बोलो कि आई थिंक एज ऑफ नाउ माई प्रिपरेशन एंड आई एम नॉट इन द एप कंडीशन, सो दैट्स वाई आई डिसाइडेड टू स्विच ओवर टू द सेल्स पोर्टफोलियो वेयर द पैकेज इज रियली हैंडसम एंड आई रियली लाइक टू ज्वाइन सेल्स बिकॉज आफ्टर एक्सप्लोरिंग माई स्किल्स, आफ्टर एनालिजिंग माई स्किल्स, आई थिंक इट इज बेस्ट ऑप्ट फॉर द सेल्स. एक ही लाइन में सारी बात खत्म हो गई. ठीक है, ओके आगे समझ में, आपको यही बोलना चाहते थे ना. यस मैम मतलब ट्राई ट्राई करेंगे मैम वन आप लाइन ट्राई में. करो, हो जाएगा. मतलब एक लाइन में आंसर देने की कोशिश करो. आप यही बोलना चाहते हो ना कि मेरे लिए गवर्नमेंट जॉब नहीं कर पा रही हूं मैं प्रिपरेशन, तो उसको थोड़ा सा इस तरीके से बोलो. अपनी शॉर्टकमिंग्स मत बताओ. आप एक तरफ कह रहे हो सिक्योरिटी नहीं है, एक तरफ आप सेल्स में जा रहे हो, ठीक है, एक तरफ आप यस कह रहे मैम हो आप. हाँ, तीसरी चीज आपने मुझे बोला, फास्ट लर्नर नहीं होता है वो श्वेतलता, वो होता है आई एम अ गुड ऑब्जर्वर. ओके ठीक है, दूसरों को देख के आप अच्छे से ऑब्जर्व करते हो, तो वो होता है शार्प ऑब्जर्वर और गुड ऑब्जर्वर. सो बेसिकली यू हैव टू यूज शार्प ऑब्जर्वर. तो आप बोलो कि ओके मैम, बिकॉज आई थिंक आई एम अ शार्प ऑब्जर्वर एंड आई कैन इजिली कन्विंस द वन बाय ऑब्जर्विंग देयर एक्सपेक्टेशंस एंड डिमांड्स. ओके ठीक है, वो शार्प ऑब्जर्वर होता है. ठीक है, मैं आपका मतलब समझ गई थी, आप फास्ट लर्नर से क्या कहना चाहते हो, बट आई वॉन्ट टू नो कि आप किस सेंस में उसको बोल रहे हो. ठीक है, तो वो फास्ट यस लर्नर नहीं है. ठीक है, उसके बाद हमने ओके सेकेंड क्वेश्चन पूछा था, सेल्स और एडवर्टाइजमेंट. वेरी गुड, बहुत अच्छे से आपने एक लाइन में उसको एक्सप्लेन किया है. वेरी नाइस, ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चंस देने हैं. ठीक है, बहुत अच्छे से ओके आपने आंसर किया उसको. वेरी गुड.
फिर मैंने आपसे पूछा ओल्ड न्यूज़पेपर वाले, जितने भी मैंने आपसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछे, बहुत अच्छी बात है, आपने सबको ग्रीट किया, स्टार्टिंग बहुत अच्छे से करी, वेरी गुड। फिर जो क्वेश्चन मैंने आपको ओल्ड न्यूज़पेपर का पूछा था, देखो आजकल के जो लोग है ना, ओल्ड न्यूज़पेपर आपने मुझे बेचा, ठीक है, आपने बोला फीफा ये वो, आजकल सब कुछ आ गया है ऑनलाइन, ठीक है, फीफा का भी वीडियो मैं ऑनलाइन देख सकती हूँ। कुछ ऐसा बताओ जो ऑनलाइन ना हो, जैसे नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक हुआ था, वो ऑनलाइन नहीं मिलेगा, वो कटिंग मिलेगी पेपर में। गांधी जी ने डांडी मार्च निकाली थी, वो ऑनलाइन नहीं मिलेगा, वो मिलेगा ओल्ड न्यूज़पेपर में। Yes, तो ऐसा कुछ बताओ जो डिजिटल ना मिले, जो सिर्फ न्यूज़पेपर में ही मिले। Okay. ठीक है, कितने कितने चेंजेस, कितने कितने रेवोल्यूशन की, भगत सिंह जी को जब फांसी हुई थी तो उसका न्यूज़पेपर में पूरा बताओ कि मैम जो ही न्यूज़पेपर में आर्टिकल निकला था ये देखिए, कितना प्रोटेस्ट किया था लोगों ने। Yes, इस तरीके से थोड़ा सा बताओ ना, क्योंकि आजकल अगर आप किसी को ओल्ड न्यूज़पेपर दोगे तो लोगों को थोड़ा सा कनेक्ट करना पड़ेगा ना, वरना वो तो ये बोलेंगे डिजिटली है ये चीजें हमारे पास। Yes, ma'am. ऐसा कुछ बताओ जो डिजिटली है नहीं। Yes, ma'am. समझ आया आपको? Yes, ma'am. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था एसी वाला, तो किसी भी एक चीज को 3-4 बार मत बोलो, उससे कस्टमर आइरेट हो जाते हैं। जैसे आपने बार बार बोला अस्थमा अस्थमा अस्थमा, डोंट, मतलब इन सब चीजों को 3-4 बार आपको नहीं बोलना है। आप ये बोल सकते हो कि मैम आप कश्मीर में गर्मी भी होती है, ठंड भी बहुत होती है, तो वो आपका हीटर का भी काम करेगा, ह्यूमिडिटी कंट्रोल करेगा, गर्मी लगेगी तो आपको नॉर्मल टेम्परेचर देगा, मॉनसून में भी आपको बहुत अच्छा एनवायरमेंट देगा, एयर प्यूरिफायर का काम करेगा और हीटिंग भी देगा। ठीक है, और 3-4 बार एक ही चीज मत बोलो आप सेल्स में ना, क्योंकि फिर वो थोड़ा सा आईरेटेड हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपने बोला रीलोकेशन, तो कभी भी ये आंसर मत दो कि मैं रीलोकेशन के लिए नहीं कर सकती। भाई ये आंसर नहीं देना चाहिए आपको, ठीक है, आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, नेक टू नेक कॉम्पिटिशन है, एक बार सेलेक्ट हो जाओ, ट्रांसफर चीजें होती है कुछ, ठीक है, वैसे भी वो कंसिडर करते हैं आपको, आपकी लोकेशन में रखें, आप अप्लाई कर रहे हो, आप एडवर्टाइजमेंट पढ़ रहे हो कि अगर उसमें लिखा है कि आपको रीलोकेशन किया जाएगा तो फिर आपने अप्लाई क्यों किया? Yes, ma'am. है ना, तो रीलोकेशन बॉन्ड इन सब चीजों के लिए आपको रेडी रहना है एज ऑफ नाउ। बाद में कंपनी में आके यू कैन चेंज, अभी जरूरी क्या है, जॉब की रीलोकेशन, जॉइनिंग। ठीक है, तो वैसे आपको आंसर करना है। कुछ और आप पूछना चाहते हो तो पूछो श्वेतलता। यस मैम, वही प्रॉब्लम है कि मैं अटक जाती हूँ बोलते बोलते, वो फ्लुएंसी नहीं आ पाता, बहुत कुछ चीजें होती हैं कि पता होता है क्या बोलना है, यहाँ पे कुछ और आ सकता है, लेकिन ये जब भी पहले क्या हुआ था कि मैंने कुछ एक टेलीफोनिक राउंड दिए थे एज ए टेली काउंसलर, टेस्ट बुक में मैं सेलेक्ट भी हुई थी, तो वो टेलीफोनिक राउंड था जो ओके था, फर्स्ट टाइम थोड़ा डर लगा बट ओके था। जब ऐसे वीडियो इंटरेक्शन जब होता है ना तो अंदर से काफी नर्वसनेस होता है, इसकी वजह से हम बहुत कुछ बोल नहीं। देखो नर्वस क्यों होता है, आपको ये लगता है अरे ये मुझे देख रहे हैं, ये मुझे जज कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई आपको जज नहीं कर रहा है। जिस स्टेज पे आप हो उस स्टेज पे इंटरव्यू लेने वाले पहले थे, उन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया तो वो अब यहाँ आ गए, वो आपको सिर्फ देखने के लिए कि आप अच्छे से इंटरेक्ट कर पा रहे हो, अच्छे से बातचीत कर पा रहे हो, उसी के लिए है। आप घर में इतना कॉन्फिडेंटली बात करते हो ना, वहां डर लगता है आपको? नहीं लगता है ना, तो फिर यहाँ क्यों डर लगता है आपको? वही थोड़ा सा वही इशू है कि वो देखते उस हिसाब से सोचो ना कि मुझे जॉब चाहिए, वो मुझे जॉब देने के लिए बैठे, मुझे अच्छे से बातचीत करनी है उनसे, बस बात ही तो करनी है। कोई आपसे IIT और MBBS नीट क्वालिफाई करने को थोड़ी ना बोल रहे हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं, वो तो बातचीत तो कर ही सकते हो। ठीक है, बाकी फ्लुएंसी लाने के लिए आप प्रैक्टिस करो। अच्छी बात यह है कि आपने टोटल इंग्लिश में दिया, वेरी गुड, रियली अप्रिशिएबल, लेकिन थोड़ा सा फ्लुएंसी पे प्रैक्टिस करो, शीशे के सामने खड़े होके बोलो, वीडियो रिकॉर्ड करो, फोन रख लो ऐसे, बोलो अपना इंट्रो, पॉज कर दो, देखो मैंने क्या गलती करी, फिर उसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करो, ठीक है, हाँ इस तरीके से करो, इम्प्रूव हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंग्लिश बहुत बड़ी चीज नहीं है, उसको इतना ज्यादा आप दिमाग पे मत हावी करो,
धीरे धीरे बोलो, जैसे इंट्रो में माई नेम इज श्वेतलता, आई एम फ्रॉम बिहार, माई नेम इज श्वेतलता एंड आई एम फ्रॉम बिहार, ये अच्छा लग रहा है या ये अच्छा लग रहा है? माई नेम इज श्वेतलता बॉस आई एम फ्रॉम बिहार. यस मैम. रुक जाओ, सब्र करके बोलो, लेकिन एंड 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 वो नर्वसनेस मत दिखाओ. आराम से बोलो, वो आराम से टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, 30 मिनट्स लेते हैं वो, तो आराम आराम से बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कॉन्फिडेंटली बोलो, धीरे धीरे बोलो, आराम से बोलो, ठीक है? Yes. और इतना कोई घबराने की बात नहीं है, इंग्लिश आराम से इंप्रूव हो जाती है और आपकी अच्छी है, बस थोड़ा सा ब्रशअप करना है, ठीक है? Okay. और कॉन्फिडेंट भी है आप में, सारे क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, बस जो दो तीन क्वेश्चन, जो एक जो डीप वाला था, हेडफोन्स वाला, हाँ वो वाला रह गया क्वेश्चन. हाँ, तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि हेडफोन्स वो नहीं ले रहे हैं, तो आप थोड़ा सा सोचो कि क्या वाइब्रेशंस आती हैं. आप कहो, मैम इस हेडफोन्स पे रिकॉर्डेड वाइब्रेशंस है, वो बच्चा सुनेगा तो उनके ब्रेन पे अच्छा असर होगा, ठीक है? वो एक हैप्पी मोड में जाएंगे. जैसे आप म्यूजिक सुनते हैं, छोटा बच्चा होता है वो वूम में रहता है, वॉर्म में रहता है, मतलब जब माँ के अंदर रहता है तो वो वाइब्रेशन ही तो लेता है, उसको साउंड नहीं आती है, वो वाइब्रेशन पे ही रिएक्ट करते हैं. तो उसको साइंटिफिकली थोड़ा सा रिलेट करो कि सर बच्चा भी वाइब्रेशन पे रिएक्ट करेगा, वो एक्टिव होगा, उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, वो रिस्पॉन्ड करेगा, जो कि जरूरी है. इस तरीके से थोड़ा सा कन्विंस कर सकते हो, ठीक है? यस मैम, यस मैम. कुछ और आपको पूछना है? नो मैम, अभी कुछ नहीं पूछना. ओके श्वेतलता, तो इट वॉज ऑल अबाउट आवर सेशन, इट वॉज वेरी नाइस सेशन विद यू, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स एंड फॉर ऑल द फ्यूचर इंटरव्यूज. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू.